इस हेडिंग डालो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। कल हमने सर्ड्स कैसे हमने कैसे रिप्रेजेंट करते ये सब हमने डिटेल में सीखा था कल। आज हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड क्या रहता है ये जरा सीखने का ट्राई करें। सो इट्स द सेम एग्जैक्ट थिंग, जस्ट थोड़ा सा इसको एक टॉपिक का नाम के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8, सेकेंड इज स्क्वायर रूट ऑफ 12, थर्ड इज स्क्वायर रूट ऑफ 36, फोर्थ इज स्क्वायर रूट ऑफ 24, फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ 16, सिक्स्थ इज फोर्थ रूट ऑफ 32। जस्ट थोड़ा बेसिक्स करेंगे फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो जेसन बताओ ये 8 का फैक्टर्स क्या क्या रहेगा? सर 2 × 2 × 2। वेरी गुड। स्क्वायर रूट रहेगा तो कितना हम लोग कॉमन लेते हैं? सर 2 नंबर। 2 नंबर को कॉमन लेते हैं और उसमें से 1 नंबर को हम लोग बाहर लिखेंगे। तो ये जो फॉर्म रहता है ना नंबर का, देखो पहले कैसा था रूट 8, अब ये किसमें कन्वर्ट हुआ 2√8। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड बोलते हैं। चलो नेक्स्ट नैना बताओ 12 का क्या आएगा? सर 2 × 2 × 2 × 2। अरे बाप रे, 2 × 2 4 होता है, 4 × कितना 12 होता है? 4 × 2 = 3। ओके आप इसमें से कितना नंबर को कॉमन लोगे? इसमें से एक ही नंबर को कॉमन लेंगे। शाबाश, वेरी गुड। नहीं सॉरी 2 नंबर को कॉमन। तो आंसर क्या आएगा, 2√3 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 2√3। वैसे आगे का क्वेश्चन जरा ट्राई करो, ये इसका इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ √36। ये बताओ रुजला बताओ क्या आएगा इसका फैक्टर्स? अच्छा एक सेकंड श्रीजित बताओ, श्रीजित बताओ एक सेकंड है, रुजला श्रीजित को बताना। हाँ श्रीजित बोलो। सर 2 × 2 × 3 × 3। वेरी गुड। ओके इसमें कितना नंबर को कॉमन लोगे बाहर? सर 1, नहीं सर 2। 2 बाहर आएगा, 3 भी बाहर आएगा, अंदर कुछ बच रहा है क्या, रूट के अंदर कुछ बच रहा है? हाँ सर। क्या बच रहा है? 2 और 3 बच रहा है। अरे क्या बात है, ये दोनों में से हम लोग 1 नंबर को बाहर निकालते हैं, ये दोनों में से 1 नंबर, कोई नंबर बच रहा है क्या अंदर? कोई नहीं बच रहा ना। हाँ, तो ये सर्ड है क्या? तो इसमें लिखोगे नॉट अ सर्ड, नॉट अ सर्ड। चलो नेक्स्ट कार्तिका। हाँ सर 2 × 2 × 2 × 3। हाँ इसमें से क्या बाहर आएगा, क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, मतलब 2 बाहर आएगा। बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा? 2 और 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा 6। हाँ चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रुजुला बताओ। यस सर 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब कितना कॉमन लोगे इसमें? 3। विल टेक 3 कॉमन, तो 3 बाहर आएगा एंड 1 2 बाहर आएगा। 2 बाहर आएगा, यस सर 2 बाहर आएगा और 1 2 अंदर आएगा ऐसे। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये वाला ये बताओ कौन है नाम, अरे डेबोरा कैमरा ऑन करना। चलो हाँ अंश बताओ, अंश बताओ।
टू इंटू पांच बार, टू पांच बार, ओके। इसमें से कितना टू को कॉमन लोगे? दो है? टू इंटू टू और वो, सॉरी फोर, फोर फोर कॉमन लोगे, देखा नहीं वही देखा ना। चलो इधर टू आएगा बाहर, अंदर क्या आएगा? अंदर एक टू आएगा, फोर्थ रूट ऑफ टू। चलो ये भी मतलब सेवन, ठीक है। ये सब हमने कल सीखा था, हमने तो बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल्स किए थे, अब हम लोग टेक्स्ट बुक के रिलेटेड करेंगे इजी इजी क्वेश्चन से। तो याद रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म का अगर कभी क्वेश्चन रहेगा ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते वो पता रहना चाहिए, ठीक है। आपको देखो, आपको नाइन्थ के इसमें सिर्फ स्क्वायर रूट वाले आने वाले, क्यूब रूट और फोर्थ रूट जस्ट शायद एमसीक्यू में शायद आ सकते। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको मैंने कल सिखाया था बस, ताकि आपको टेंशन पहले हटे। ओके फाइन, तो अभी ध्यान देना। सो कोई भी इसमें देखो, कोई भी सर्ड रहेगा उसको कुछ तो एक फॉर्म रहता है कि अंदर कुछ तो एक नंबर रहेगा 17, बाहर कुछ तो एक पावर रहेगा। चलो ये पावर में इधर बोले, अब यहां पे ये 4 और 17 का कुछ तो मतलब है, ठीक है। तो ये 4 और 17 का क्या मतलब है? तो हम लोग सबसे पहले ये 4 को क्या बोलेंगे? ये 4 को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ सर्ड। 17 को हम लोग क्या बोलेंगे? 17 को हम लोग बोलेंगे रेडिकैंड। एंड ये जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन को हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन। जो आप वो रूट का साइन को आप क्या बोलते हो? रेडिकल साइन बोलते, ठीक है। तो अभी इसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग खुद बताओ, बहुत सिंपल है टॉपिक। एंड याद रखना कभी अंदर बोलो बोलो क्या हो गया नताले? पूरा मतलब सम करना है या फिर ये ऑर्डर ऑफ सर्ड ऐसे? ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर लिखना है, ओ लिखो और आर लिखो, बस उतना ही करो क्योंकि समझ में आना चाहिए बस उतना ही। हाँ, एक याद रखना है, कभी भी है ना रेडिकल के अंदर है ना कभी ये नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। कब? स्क्वायर रूट के वक्त। क्या बोला मैंने? रेडिकल के अंदर कभी स्क्वायर रूट, स्पेशली स्क्वायर रूट के वक्त ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अभी ये छोड़ दो, अभी के लिए जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। यही सेम चीज आपको 10th में रिपीट होएगा। तो सर -12 को कैसे लिखने का, रिप्रेजेंट कैसे करने का? इसमें कुछ ऐसे बता रहा हूं, ये नहीं लिख सकते हम, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ये लिख नहीं सकते, मतलब सर ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। कभी भी है ना इवन पावर है, इधर मैं लिखता हूँ इवन ऑर्डर पे अंदर कभी नेगेटिव इंटीजर नहीं आ सकता। ये याद रखो, इवन पावर मतलब जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। जब भी वैसा 2, 4, 6, 7, 8 रहेगा तो अंदर नेगेटिव इंटीजर इज नॉट अलाउड। चलो सर, मुझे क्वेश्चन है कि वो जो 12 है ना, मतलब हर एक में 5 रूट ऑफ 14 है ना, तो 12 के इसमें क्या रहेगा? 2 रहेगा। सोचो तो क्या है, सोचो, बता देगा कोई ना कोई, हेल्प करेगा आपको। चलो पहला क्वेश्चन ये ट्राई करो। अरे हाँ स्वनी का बताओ, पहले इसमें ऑर्डर क्या है? थ्री है। और रेडिकेंड क्या है? रेडिकेंड है 13। चलो नेक्स्ट रिया, बोल पाओगे? हाँ सर बोलो। हाँ सर, ऑर्डर ऑफ सर्ड 5, रेडिकेंड 14। चलो अभी कौन बचा है? अंश ने जवाब दिया। सिर्फ एक सेकंड है, दूसरों को पूछने दो। हाँ वेदांत बताओ, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2। वेरी गुड। हेलो नतालिया, स्क्वायर रूट का साइन है तो ऑर्डर 2 रहता है। रेडिकेंड क्या रहेगा? 12। और ये जस्ट लिख के रखना, नोट लिख के रखना,
ये टाइप के नंबर्स को आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, जो इरेशनल के भी ऊपर आता है कॉम्प्लेक्स। यहां तक किसी को भी डाउट है तो प्लीज आस्क। सर एक डाउट है। बोलो ना सर, सर्ड हमेशा आपके स्क्वायर रूट के फॉर्म पे होता है ना? यप, स्क्वायर रूट के फॉर्म। और सर आपने कल बोला था कि सर्ड आके सिर्फ प्राइम नंबर्स के रूट से ही होगा, यहाँ पे इवन नंबर्स भी बहुत ज्यादा है। इवन नंबर भी आ रहा है, बट कंसीडर करो अभी आप इसमें, अगर आप इसको शॉर्ट करोगे ना, सो दिस विल लुक लाइक, सो दीज आर बेसिकली व्हाट प्राइम नंबर्स है, वैसे सोच सकते। वही मैं इतना ज्यादा डिटेल में जस्ट कल जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक आइडिया दिया था क्या था करके। चलो नेक्स्ट लिखना, यहां तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो लाइक सर्ड। अभी ये लाइक सर्ड, ओके ये लाइक सर्ड है क्या? जैसे कि लाइक टर्म्स में आपने देखा था, जैसे कि 4x 5y पाई एक्स स्क्वायर वाई, फोर एक्स वाई स्क्वायर, थ्री एक्स पाई वाई और पाई वाई स्क्वायर एक्स। तो इसमें कौन कौन लाइक टर्म्स है जरा बताओ। फोर एक्स वाई स्क्वायर एंड फाइव वाई स्क्वायर एक्स। तो ये लाइक टर्म्स है। तो वैसे ही लाइक सर्ड्स कौन कौन रहेंगे, जैसे कि चलो चेक करते हैं। चलो आप लोग बताओ इसमें लाइक सर्ड्स कौन कौन रह सकते हैं आपके हिसाब से। चलो मैं एक जन को पूछता हूं। जेसन बताओ रूट टू का लाइक सर्ड कौन रहेगा? ठीक है छोड़, जेसन ने आंसर दिया था। हाँ कार्तिका बताओ लाइक सर्ड इसमें से आपके हिसाब से कौन रहेगा, मतलब कौन लग रहा है इसमें? फर्स्ट वन और सेकंड वन। और है इसके साथ और एक कोई तो है, देखो फोर रूट। अब कैसे दिखना देखना है आपको, ये देखो इसके एंड में देखो क्या है, रूट टू। वैसे पाई रूट थ्री, सेवन रूट थ्री, वैसे सेवन रूट फाइव। तो आपको बस ये चेक करना है, ठीक है? जैसे हमने लाइक टर्म्स किया वैसे लाइक सर्ड्स में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, लाइक सर्ड निकालते वक्त आपका जो सर्ड है ना चाहिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। समझाता हूं, एग्जाम्पल देखो रूट एट और रूट 32। अब आप ऐसे देख के बता सकते हो क्या ये लाइक सर्ड है क्या? अफकोर्स आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 और 32 अफकोर्स क्या है, सेम नहीं है। हम लोग को क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर कन्वर्ट करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, करो कन्वर्ट, सिखाया था कल, करो सर। चलो जॉय बताएगा रूट 8 का फैक्टर्स क्या क्या है, कौन कौन है रूट 8 का फैक्टर्स? क्या आएगा रूट एट का फैक्टर्स? टू। हाँ टू इंटू क्या आएगा? टू इंटू टू। बरोबर। अब इसमें से कितना नंबर को कॉमन लोगे जॉय, कितना नंबर को कॉमन लोगे? दो। दो नंबर को कॉमन, तो ये बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, कौन सा नंबर आ रहा है? टू। टू आ रहा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट रिशॉन बताओ 32 का क्या आएगा? 32 का 2 into 2 into 5 बार, 5 बार। हाँ। कितना कॉमन लोगे बाहर? 1 2 3। ये दो दो का जोड़ी में, तो एक 2 बाहर आया और एक 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा? एक 2 बचा। अब चेक करो क्या ये लाइक सर्ड है? हाँ सर। तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा तो टेंशन ही नहीं,
आप कब बोल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म है? जब वो प्राइम नंबर किस में रहता है तब, तब आप डायरेक्टली बता सकते हो हाँ ये लाइक्सर्ड है। लेकिन अगर प्राइम नंबर्स नहीं है तो जरा कन्वर्ट करने का सोचना, ठीक है? तो मैं जस्ट इधर लिख के देता हूँ, एक सेकंड है श्रीजी, जस्ट एक सेकंड। इफ रूट और इधर प्राइम नंबर है तो ये क्या रहेगा? इट इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपको चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा 8, 32, 16, 36 ऐसा कोई नंबर्स रहेगा ना, आपको चेक करना पड़ेगा। हेलो आदित्य, क्या हो गया? इतना क्या सोच रहे हो? पक्का? मेरे को डाउट है। हाँ नतालिया बोलो। सिंपले सॉरी लाइक सर्ड है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो वही देखो ना, इधर देखो आ गया ना लाइक सर्ड, बस सर्ड को देखने का। टू आना चाहिए। अरे ऐसा नहीं, अरे थ्री भी आ सकते थे। कोई इधर हम लोग ने किया था ना 5√3, 4, 7√3, हम लोग को सिर्फ वो सर्ड का वैल्यू को चेक करना है। √2, √2, √3, √3, √5, √5। अच्छा मतलब वो जो अंदर है वो दोनों सेम होना चाहिए। रूट क्या, ठीक है? I'll give you more examples to try. हाँ क्या हो गया? सर जब हम लाइक सर्ड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब ऑर्डर ऑफ सर्ड का कोई मतलब ही नहीं। अभी के लिए आपको सिर्फ ऑर्डर टू ही वाला आने वाला है, ऑर्डर ऑफ सर्ड को देखना पड़ेगा, बात बराबर है। अभी के लिए आपको सिर्फ टू का आने वाला है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग नहीं चाहेंगे। फर्स्ट डे आपको सिखाने के लिए सर्ड सब क्या रहता है इसके लिए मैं 7, 10 के ऑर्डर में सब चला गया था, आज नहीं जरूरत है। हाँ श्रीजीत कुछ पूछ रहे थे आप? सर ऐसा हाँ क्या हो गया श्रीजीत? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन कर लो, ये ट्राई करो। √45 or √80 लाइक सर्ड है कि नहीं चेक करना। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, √72 and √108। अच्छे क्वेश्चन सर, सर ये दोनों ट्राई करो। फर्स्ट रिमूव द, पहले क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर, वो आइडिया मिल जाएगा करना क्या। एकदम बेसिक से चालू कर रहे ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, जब कॉम्प्लेक्स सम्स करेंगे तब बेसिक्स क्लियर रखो बस। आदित्य 45 का फैक्टर्स? अच्छा ठीक है निकालो। डेबोरा 80 का फैक्टर्स क्या आएगा? हेलो सर, हाँ बोलो आदित्य बोलो क्या आया? वो प्राइम वाले वाला एक बार पॉइंट आप बताओगे क्या? अच्छा प्राइम, अच्छा प्राइम, अभी प्राइम पे फोकस मत कर, प्राइम पे फोकस मत कर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्राइम का, उसके पे फोकस मत करो अभी। ये 45 का अभी फिलहाल तो फैक्टर निकालो, क्या आ रहा फैक्टर आपको हुआ? हेलो वेदांत पीछे नहीं देखना, सॉल्व करो सब, हमें रफली सॉल्व करा था। ओके ओके तो 3 × 3 × 5 आएगा। 80 का क्या आएगा? देबोरा होगा क्या कैलकुलेशन? नहीं होगा। यस सर, चेक करो ये आंसर आया आपको देबोरा? हाँ। ओके अभी क्या करोगे इसमें से, क्या करोगे, क्या बाहर निकालोगे, कितना टूस को? दो, दो दो का जोड़ी बना लेना, ठीक है? तो ये दो में से एक बाहर आएगा, ये दो में से एक बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? फाइव। चलो वैसे ही आदित्य बताओ इसमें से क्या बाहर आएगा? सर एक थ्री बाहर आएगा, एक थ्री बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा? पांच। क्या ये लाइक सर्ड है? है क्या लाइक सर्ड, सब लोग बताओ। हाँ सर। ये रूट फाइव, रूट फाइव। चलो नेक्स्ट ये बताओ श्रीजित बताओ ये 72 का फैक्टर, एंड नेक्स्ट कौन बताएगा? ऑलमोस्ट सब लोग ने आंसर, नंदिनी बताओ 108। नंदिनी है क्या मीटिंग? नहीं, शाबाश।
ये बताओ फिर कौन किसने आंसर दिया ने? ये बताओ जॉय बताओ 108 का फैक्ट जॉय 108 श्रीजित आपको आंसर देना ठीक है श्रीजित 108 का फैक्टर बता दो सर मिल गया ठीक है बताओ 108 का क्या रहेगा फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ग्रेट हाँ बराबर चलो 72 हाँ क्या हो गया अच्छा नहीं नहीं ठीक है 72 का किसको निकालने बोला था भूल गया किसको बोला था सर मैं बताऊँ रुको रुको इसको तो बोला था मैंने शांत बैठ रहा अभी क्या शाने लोगे हाँ बोलो नाताले बता दो हाँ सर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 तो 3 × 2 बराबर हाँ नाताले बताओ इसमें से कितने को कॉमन लोगे सर 2 को और ये 3 भी कॉमन बाहर आएगा कॉमन बाहर आएगा अंदर क्या बचेगा 2 So this will be 6√2 चलो श्रीजित इसमें से क्या कॉमन आएगा बाहर सर 1 2 और 1 3 आएगा 1 2 और 1 3 बाहर आएगा रूट के अंदर क्या आएगा 3 यार 6√3 ये बहुत जन का ना टेंडेंसी है ये लोग 6 को देखते हैं ना लोगों को लगता है कि लाइक सर्ड है ऐसा नहीं है अंदर का चेक करो है क्या नॉट अ लाइक सर्ड अनलाइक सर्ड है क्यों क्योंकि इनका प्राइम नंबर्स अंदर का डिफरेंट है कंप्लीटली डिफरेंट चलो एक आप है ना मैं आपको है ना बंच ऑफ एग्जांपल्स देता हूं आप सबको है ना अरेंज करने का ट्राई करो कौन लाइक है कौन अनलाइक है सर आप पेयर्स दे रहे हो हाँ आपको है ना सब मतलब जो भी एक सब आंसर्स निकालो सबका जो जो लाइक सर्ड रहेगा ना उसका जोड़ी बना लेना जो भी लाइक टर्म्स रहेगा ना उसका जोड़ी बना लो कि ये आना चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत छोटा बेसिक है तो प्रॉब्लम होता है आगे सर बोलो ना फाइव किसका टेबल क्या है अरे तो रख दो ना इसको इसको कर सकते क्या मैंने आपको बोला ना वो नोट देखो नोट चेक करो क्या दिया था रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों कर रहे हो अरे नोट लिखाने का फिर सेंस क्या हो गया यूज करो उसको आदित्य अभी समझा हेलो आदित्य हाँ सर समझा ना अभी वो नोट का मतलब क्या था रूट फाइव प्राइम नंबर रहेगा रूट में तो उसको सॉल्व करने मत जाओ रख दो चलो वेदांत बताओ 125 का क्या आया सर 5 × 5 × 5 ओके 5 × 5 × 5 आ गया तो आप कॉमन किसको लोगे इसमें से 2 5 को वेरी गुड तो 1 5 बाहर आया रूट के अंदर क्या आएगा 5 तो मतलब ये दोनों एक जोड़ी बन गया लाइक सर्ड का ऐसे आप इसका करो चलो नेक्स्ट नैना बताओ √8 का क्या आया हाँ सर 2 × 2 × 2 × 2 फाइनल आंसर फाइनल आंसर है 8 2 बाहर जाएगा तो वो ऐसा 2 फिर वो रूट और 2 32 का ये बताओ अंश बताओ 32 का क्या आया फाइनल आंसर बताओ 4√2 तो ये दोनों क्या हो गया एक जोड़ी बन गया चलो नेक्स्ट डेबोरा 28 क्या आया फैक्टर्स 2 × 2 × 7 वेरी गुड 2 × 2 × 7 आया वैसे ही हाँ फाइनल आंसर क्या आएगा क्या आएगा फाइनल आंसर डेबोरा
2 root 7 ग्रेट सॉरी सॉरी 7 बरोबर बोला 2 root 7 मैं सार्केज्म में नहीं बोला 2 root चलो नेक्स्ट रुजुला 63 यस सर 63 का फैक्टर 3 into 3 into 7 तो क्या आएगा बाहर बाहर 3 आएगा और अंदर 7 आएगा रूट 7 ये दो जोड़ी बन गया आई होप समझ में आ रहेगा लाइक सर्ड अनलाइक सर्ड रहता है क्या करके अब देखो है अभी है ना हम लोग इससे रिलेटेड है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करने को सीखेंगे अभी किसी को डाउट है कार्तिका जॉय डाउट नहीं है ना आदित्य है क्या डाउट इसमें कोई पार्ट में है तो पूछना ठीक है और किसी को मैं पूछा नहीं था स्वनिका आपको डाउट है इसमें समझाना अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स अब इसमें ना लास्ट का दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स पहले हम लोग सीखेंगे एड सब्ट्रैक्ट कैसे करते तो ये ना आप मतलब अच्छे से बिठा के रखो अपने दिमाग में क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें तो ये याद रखना आप सिर्फ इसमें एड और सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हो ओनली लाइक सर्ड्स को सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हो बस ये अपने दिमाग में बिठा के रखो किसको ऐड कर सकते हो आप ओनली लाइक सर्ड्स को बस ये अब अपने दिमाग में बिठा के रखना ठीक है आई गिव एन एग्जांपल 2 root 2 5 root 3 7 root 2 ओके ध्यान दो है आपने देखा ये एग्जाम्पल मैंने आपको देखो फर्स्ट फाउंडेशन लेक्चर्स के वक्त सिखाया था जैसे कि 7x 4y और 3x रहेगा तो आप एड सब्ट्रैक्ट सिर्फ किसको कर सकते हो 7x और 3x को कर सकते हो तो ये कितना होएगा योर फाइनल आंसर विल बी 4x माइनस अब आप बोलोगे 4y का क्या रख दो वैसे कुछ नहीं तो रख दो तो यहां पे भी वही सेम लॉजिक है आप ऐड किसको कर सकते हो 2 root 2 7 root 2 को ऐड कर सकते हो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है तो 5 root 3 को क्या करोगे इसको एज इट इज रख दो ठीक है ध्यान दो है ध्यान दो 2 और 7 में ग्रेटर नंबर कौन है 2 और 7 में 7 तो साइन क्या आएगा माइनस दोनों का साइन इधर सेम है कि डिफरेंट है डिफरेंट है सब्ट्रैक्ट करेंगे सर क्या किया ओके देखो पहले चीज ग्रेटर नंबर का साइन ये तो पता है ना जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था वो किया फिर दोनों का साइन देखो इसका और इसका साइन क्या डिफरेंट है ना तो क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट किया 7 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आएगा 5 रूट 2 कुछ मत करो ये रूट 2 किसके साथ काम करते मालूम है क्या यहाँ पे देखो x जैसा काम करता है ना तो यहाँ पे मैंने कुछ x को किया क्या नहीं ना तो वैसे का वैसे ही रखा वही सेम चीज था रूट 3 को कुछ करना नहीं है नहीं ना देखो ना इधर भी देखो 4y को कुछ किया क्या नहीं ना और कोई डाउट और एक एग्जांपल देता हूं जिनको डाउट है वो लोग पूछ सकते हो एक सेकंड जिनको डाउट है देखो जस्ट एक सेकंड जस्ट एक सेकंड जस्ट एक सेकंड जस्ट एक सेकंड ये लिखने दो हाँ रिशॉन क्या हो गया पूछो सर 2 और 7 को ही करना है ना बाहर वाले से ही करना है ना हाँ माइनस कर देखो ये अंदर वाला पार्ट है ना ये देखो एक्स और वाई जैसा काम करता है एक्स वाई जेड ऐसा सोचने का हम लोग देखो जब एड सब्ट्रैक्ट अलजेब्रा में किया था तो एक्स को कुछ करते क्या नहीं ना एक्स को वैसे का वैसे रख दो चलो तो नया ये बताओ जेसन बताओ इसमें किस किस को एड कर सकते आप सर 7 root of 3 और 2 root of 3 ठीक है चलेगा इनमें ग्रेटर नंबर का साइन क्या आएगा कौन है ग्रेटर नंबर 7 प्लस साइन आएगा दोनों का साइन यहाँ पे क्या है सेम तो क्या करोगे प्लस प्लस तो 7 प्लस 9 9 root of 3
बस ठीक है, रूट ऑफ थ्री ऐसे का वैसे रखो। चलो नेक्स्ट आदित्य, और किसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? इनमें ग्रेटर नंबर कौन है, किसका आएगा साइन? माइनस, माइनस आएगा, फिर दोनों का साइन यहाँ पे क्या है? ऐड, सेम है तो ऐड करोगे, तो 8 प्लस 5 कितना होएगा? 13। एंड 7 रूट 7 को क्या करोगे? वैसे का वैसे रखो, कुछ मत करो। क्लियर है यहां तक? अब मैंने क्यों इसको डायरेक्टली ऐड किया, क्योंकि ये रूट ऑफ प्राइम नंबर है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ऐड किया। अब आपको एक सम देता हूं जिसमें डायरेक्टली ऐड करने के पहले आपको सोचना पड़ेगा। एक सेकंड, रूट ऑफ 18। चलो ट्राई कर, पहले क्या करना है हमेशा, सब लोग बताओ, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, इस सर्ड्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे पहला वो करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, फिर आपको जो करना आप करो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप टू को अंदर मत लेके जाना है, प्लीज वो मत करो, बाहर रहने दो, अंदर मत लेके जाना, अंदर करोगे आप कॉम्प्लिकेट करोगे चीजों को। चलो जॉय बताओ 32 का फैक्टर्स क्या है? 32. बोलो क्या आएगा? 2 into 2 ओके। नेक्स्ट ये बताओ रिशॉन, बताओ क्या रहेगा 8 का फैक्टर? हाँ सर, सर 8 का फैक्टर 2 into 2 into 2। चलो नेक्स्ट नतालिया बताओ 18 का फैक्टर्स? सर 18 का फैक्टर निकालने को देख रहे हो तो आ ही नहीं रहे। क्या बात है, वेरी गुड। 2 into 2 हाँ, 2 into 2 into 3 कुछ भी, ये 2 आएगा इधर, 9 आएगा और इधर 3 आएगा। ओके सर, सिंपल तो है। हाँ चलो अभी एक एक करके बताओ, नतालिया इसमें से कौन बाहर आएगा आपके इसमें से फैक्टर में से? सर उसमें से 3 बाहर आएगा, अंदर रूट 2 आएगा, अंदर 2 जाएगा। नेक्स्ट ये किसको था, रिशॉन, इसमें से कौन बाहर आएगा? दो कॉमन लेंगे और 2 को बाहर लेंगे, तो 4 into 2 8 होएगा। चलो वैसे ही जेसन, जेसन ने सॉरी ये बताओ जॉय, चलो स्वानी का बताओ इसमें से कौन बाहर आएगा? वो वीडियो ऑफ कर रही हूँ। हाँ ठीक है चलिए, स्वानी का बताओ। 2 2 बाहर आएंगे, 2 into 2। एक सेकंड, 2 2 बाहर आएगा, पहले से एक 2 प्रेजेंट था वहां पे, पहले से भी एक 2 बाहर था, तो ये 8√2 - 8√2 + 3√2 आएगा। तो प्लस और माइनस ग्रेटर नंबर का साइन क्या रहेगा? अब इसमें तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो प्लस डाल दो, दोनों का साइन डिफरेंट, तो क्या करोगे आप, सब लोग बताओ क्या करोगे? माइनस, 8 - 8 = 0 आएगा, लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ 3√2 बचेगा, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। अभी आप पूछोगे 0√2 क्यों नहीं लिखा, 0 into anything is 0, इसीलिए इसके लिए मैंने लिखा। आई होप ये समझा रहेगा थोड़ा बहुत, फर्स्ट ऑपरेशन तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो, नॉट दैट डिफिकल्ट। चलो अब
सेकंड ऑपरेशन पे जाते, यहां तक हो गया सबका लिख के? अभी सेकंड ऑपरेशन लिखना, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आप जैसे आपने नॉर्मली अलजेब्रा में भी सीखा था कि आप किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम है, इसमें कोई रूल नहीं है। तो आप अनलाइक को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, सब हम लोग कर सकते, जिससे ये बहुत सिंपल बन जाता है। जैसे कि टू रूट टू इंटू थ्री रूट टू, तो आप किसको मल्टीप्लाई करोगे मालूम है क्या? रैशनल को रैशनल के साथ, ये थ्री लिखता काउंटिंग, और इरैशनल को इरैशनल के साथ। तो टू इंटू थ्री कितना होएगा? सिक्स होएगा। रूट टू इंटू रूट थ्री क्या होएगा? आई गिव यू वन मोर आंसर, वन मोर देता, टू रूट सेवन इंटू फाइव रूट थ्री। पहले आप क्या करोगे? रैशनल को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई, तो टू इंटू फाइव कितना होएगा? टेन। फिर आप क्या करोगे? इरैशनल को इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा? रूट ट्वेंटी वन। मतलब सेवन थ्री सा ट्वेंटी वन है ना, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देता आपको, ये फर्स्ट हुआ, ये क्वाइट सिंपल है समझने को, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जस्ट ना एक रूल इधर नोट करके लिखो, जस्ट नोट करके लिखना, मल्टीप्लाई किसको करते हो? रैशनल को रैशनल के साथ एंड इरैशनल को इरैशनल, और आई जस्ट गिवन द राइट नंबर। यहाँ पे आप ऐसे भी सिंपल में लिख सकते हो, सर्ड को सर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये नोट करके लिखो। सर इसमें से सर्ड कौन सा है, जो अंदर है रूट के की बाहर है? ये रूट टू वाला पार्ट, ये रूट सेवन। और चलो नाउ ओवर हियर, जस्ट ट्राई दीज क्वेश्चंस आउट। सर बोलो ना, क्या हो गया? तो इरेशनल नंबर कौन सा आएगा इसमें? वही जो मैंने इसके साइड में लिख दिया ना, सर्ड इनटू सर्ड, सर्ड इरेशनल नंबर्स रहेंगे। ओके यहाँ पे भी चेक करना, कहीं पे सिंपल फॉर्म बन पा रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा तो ये आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, करना है कर सकते हो, नहीं करना मत करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सिर्फ टू का तो फिर कैसे करना, मतलब टू और क्या? हाँ देखो ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, क्या करना था, किसको इससे मल्टीप्लाई करना था? फोर के साथ। हाँ तो फोर क्या किया तो एट आएगा। रूट थ्री को है क्या कोई मल्टीप्लाई करने? नहीं ना, एक्चुअली क्या मालूम है क्या, देखो ये टू का मतलब क्या है, इट इज बेसिकली टू रूट ऑफ वन है। आप इसको क्यूब रूट लो, फोर्थ रूट लो, फिफ्थ रूट लो, स्क्वेयर रूट ऑफ वन वन आने वाला है, क्यूब